सिट्रस फैमिली में चाहे वो किन्नू हो, संतरा हो, माल्टा हो या मौसमी हो, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सिट्रस लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है, जैसिड है, एफिड है, वाइट फ्लाई है, ब्लैक फ्लाई है और कैटरपिलर है। लेकिन जो सबसे खतरनाक और डरावना जो हम कह सकते हैं इंसेक्ट है, क्योंकि वो पूरे साल ही हमारे बाग में रहता है, उसका नाम है सिट्रसिला। नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिट्रसिला के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आखिर में मैंने इसकी कौन कौन सी स्प्रे आप किस तरीके से कर सकते हैं वो बताई है, और कौन कौन सी स्टेजेस जो है सिले के लिए है मैंने इस स्लाइड्स में वो डिस्कस किया है। सिट्रस सिला या डायफोर्निया को सबसे भयानक और डेंजरस इसलिए माना गया है क्योंकि पूरा नाइट्रोजन का या अपना फर्टिलाइज़र का शेड्यूल पूरा होने के बाद और सोयल एनालिसिस और लीफ एनालिसिस करवाने के बाद अगर हमारा मैच बिल्कुल ठीक आता है कि भी जितना अपने को फर्टिलाइज़र ज़मीन में चाहिए उतना अवेलेबल है और जितना लीव्स में चाहिए वो अगर एक्यूरेट आता है, फिर भी प्लांट डिक्लाइन पोजिशन में है, तो उसका कारण सिला ही है क्योंकि एक वैक्टर एजेंट है एज उसका अपना HLB का। HLB एक बैक्टीरियम है जो फ्लोएम के थ्रू प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी इसको जान लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है और इसको पहचानते कैसे हैं। सिट्रस सिले का अमूमन साइज़ जो है जनरली 3 mm to 4 mm होता है। 3 mm का मतलब इंच का आठवां हिस्सा और 4 mm का मतलब 1 इंच का छठा हिस्सा। जो इसका कलर है वो ब्राउन होता है और जो वाइट कलर का वैक्स जैसे सिक्रीशन है वो इसकी बॉडी पे लगी होती है। ये जब अपना सकिंग के लिए प्लांट की जब बैठता है तो ये 45 डिग्री एंगल पे बैठता है। 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, जैसे ये लीव है, ये इसका माउथ है, ये वाला माउथ है, ये माउथ अपना लीफ के साथ भिड़ा के ऐसे 45 डिग्री पे बैठा होगा। इसका मतलब है हम समझ जाएंगे कि ये सिट्रस सिला है, क्योंकि कुछ जो किसान भाई है सिट्रस सिला को अपने तेले से कंपेयर कर लेते हैं, वो पहचान नहीं पाते भी ये तेला है कि ये सिट्रस सिला है। इसलिए मैंने आपको ये 2-3 पॉइंट बताए हैं इसकी पहचान करने के लिए। इसकी जो एक एगलेइंग की कैपेसिटी है फीमेल की, वो है 750 से 800 अंडे वो एक बार दे सकती है। और इन अंडों की जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो एग से लेकर दोबारा एडल्ट बनने का वो 18 दिन से लेकर और 30 दिन के बीच में होता है। अब आप ये हिसाब लगा लीजिए कि भी एक सिला अगर 800 अंडे देता है और एक फीमेल सिला, एडल्ट फीमेल सिला अगर 800 अंडे देता है, तो अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते या कर सकते तो कितना बड़ा नुकसान हमारे बाग को झेलना पड़ सकता है। मैंने यहाँ कुछ फोटोज़ जो है रिसेंटली खींची हुई वो मैंने आपको सामने यहाँ दिखाई है। आज 21 फरवरी 2023 है और ये फोटोज़ मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो चलते हैं सिट्रस में, उसमें किसी किसान भाई ने भेजी है। ये देखिए, ये आप ये जो सिट्रस सिला है ये फीडिंग कर रहा है न्यू फ्लश पे। ये वाली फ़ोटो जो है ये न्यू फ्लश की है। अभी अभी फुटारा बाग ने मेरे ख्याल उठा लिया होगा सभी ने, ये उसकी है। जो थर्ड वन फोटो आप नीचे देख रहे हैं ये एग है और निम्फ है। एग जो है 4 से 5 दिन में अगर 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहा तो ये एग जो है 4 से 5 दिन में अपना प्रोसेस पूरा करके निम्फल स्टेज में आ जाते हैं। और निम्फ ये जो ये वाला है ये निम्फ है, ये बीच वाला ये निम्फ है। इसकी जो निम्फ की पहचान है उसकी रेड आइज़ होगी और जो बॉडी का कलर है वो येलो होगा। इसका साइज़ सिले के साइज़ से 10 गुना छोटा होता है। अंदाजा इसका साइज़ 0.3 mm के, 0.3 mm to 0.4 mm हम कह सकते हैं इसका साइज़ को। और ये जो लास्ट वाली जो मैंने ये फ़ोटो दिखाई है आपको, ये जब निम्फ फिफ्थ स्टेज पे आ जाता है, फिफ्थ, तो ये सकिंग जो अपने प्लांट से न्यू फ्लश से कर रहा है उसके बाद ये हनी ड्यू लाइक सिक्रीशंस निकालता है। ये वाइट कलर जो है वह हनी ड्यू सिक्रीशन का ही है। किसान भाइयों, आपने कुछ बाग में देखा होगा कि बाग में कालापन आने का कारण क्या है, तो वो यही है। हनी ड्यू सिक्रीशन जब वो निकालता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो उसको हम सूटी मोल्ड भी बोलते हैं। इसलिए बाग में जो है पत्तियों पे कालापन आ जाता है। ये आज की रिसेंट फोटो है किसी बाग की, मेरे पास कमेंट्स में आई हुई थी, तो मैंने आपको ये सर्कल मार के इस तरह ये दिखाया है कि ये जो अगर इसकी बॉडी का जो एब्डोमन है ये रेड कलर का हो गया तो इसका मतलब ये ग्रेविड फीमेल, ग्रेविड का मतलब मैच्योर,
ये अब अंडे देने के लिए फीमेल रेडी है, ये अब अंडे देगी। और इधर वाली स्लाइड में मैंने आपको न्यू फ्लश पे सिल्या का अटैक दिखाया है। अब सिल्या का नुकसान एक तो जो है वो हमारी शूट की ग्रोथ पे, नई पुटार पे उसको ख़राब करना है। फ्लोवर जो है वो बनने से पहले ही प्रीमोर्डियल लीफ में ही उसको खा जाता है, काफ़ी सारे नुकसान हैं। और जो सबसे मेजर नुकसान है वो HLB बैक्टीरियम है, जिसकी बात हम अभी नेक्स्ट में स्लाइड में करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि इसकी जो डैमेज की अपने को जानने की ज़रूरत थी कि सिट्रस की, वैसे तो कई सारी स्टेजेस हैं लेकिन जो निम्फ की स्टेज है और ये निम्फ की स्टेज है ये वाली निम्फ की स्टेज है और जो एडल्ट की स्टेज है वो सबसे नुकसानदायक है। ज़्यादातर जो सिल्ले का अटैक है वो नए फुटारे पे, नई फ्लश पे, नई पत्तियों पे देखने को मिलता है निम्फ का। और एडल्ट अगर आपको देखने को मिलेगा विंटर के सीज़न में तो वो पत्तियों के निचले वाले हिस्से पे देखने को मिलेगा, ऊपर नहीं होता वो नीचे से ही जो है प्लांट के उसको सक करता है न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो जो निम्फ है वो ज़्यादा नुकसान करते हैं एडल्ट से, निम्फ काजेज मोर डैमेज देन एडल्ट। जो छोटे बच्चे हैं निम्फ हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि वो शूट की जो ग्रोथ होने ही नहीं देते, और जो नए हमारी बड फॉर्मेशन है या फ्लावर फॉर्मेशन है उसको आने से पहले ही प्रीमोर्डिया स्टेज के अंदर ही उसको खा जाते हैं। इसकी एक्टिविटी जो पीक है चरम सीमा पे रहता है फेबररी में, शुरुआत में जब हमारा फुटारा होता है, मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर। अब ये देखिए मैंने जून इसमें नहीं डाला, मई नहीं डाला, क्योंकि टेम्परेचर अगर 33 डिग्री 34 डिग्री से ज़्यादा होता है तो सिल्ला का जो एडल्ट है ऑटोमेटिकली वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, उनका सर्वाइवल रेट डाउन हो जाता है। और वो अंडे देने की जैसे फीमेल की 800 एग की कैपेसिटी है, तो मई जून के अंदर जो है वो अंडे देने की कैपेसिटी 800 से घटकर 50 से 60 70 अंडे पे आ जाती है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 महीने से 2 महीने में पूरी करता है। मोस्टली जो सिट्रस सिला है वो उसकी जो टेंडेंसी है ज़्यादा आने की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ज़्यादा एक्टिव जो है 20 to 30 डिग्री रहता है, 30 डिग्री 32 के बाद 33 डिग्री के बाद सिला ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। और जो अगर 15 डिग्री से कम है तो सिला कम हो जाता है। और सबसे बड़ी जो डिजीज़ आजकल अपने आप जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज़ के अंदर लगभग 100 120 कंट्रीज़ में किन्नू की उत्पादन जो है कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा होता है, तो उसके अंदर सभी के अंदर HLB जो है आजकल मेजर डिजीज़ चली हुई है। HLB का मतलब ग्रीनिंग भी हम कह सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये सिल्ला जो है वही इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब ये मैंने कुछ लीव्स आपको दिखाई है सिट्रस ग्रीनिंग की, जैसे ये हमें लीव दिख रही है, वैसे इसको देखा जाए तो ये जिंक की डेफिशिएंसी लगती है लेकिन ये HLB जो है इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स है। अब आप देखिएगा जैसे इसमें तो वेंस जो है हमारी क्लियर विजिबल होती है लेकिन यहाँ वेंस जो है वो लीव के पत्ती के साथ ही जो है ख़त्म हो जाती है। अब ये फ्रूट की फ़ोटो है, इसके अंदर भी आप देखिए कलरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। केमिकल कंट्रोल इसका सिले का अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी PIU HIU और ICRCCRI नागपुर की, तो इमिडाक्लोप्राइड 17.8% जो है 0.4 ml रिकमेंडेड है, एक्टारा जो है 0.32 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर रिकमेंडेड है, HMO 12.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर है। HMO का मतलब हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, ये हमारे हरियाणा में तो शायद नहीं है लेकिन राजस्थान और पंजाब में इसकी सप्लाई अच्छी खासी है। तो रगोर है डाइमोथेट 30%, इसकी जो डोज है 2.5 ml पर लीटर। सोलोमोन एक ये नया टेक्निकल है, इसकी डोज लिटरेचर के हिसाब से 0.4 ml है। और एलिका की डोज जो सजेंटा का है उसकी 1 ml है। एकलक्स जो है क्विनाल्फॉस उसकी डोज 2 ml है। एकलक्स मोस्टली अगर एडल्ट सिला हो तभी यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, और अभी फुटारे के टाइम पे जो है हम एक्टारा से, क्योंकि ये लाइट स्प्रे है इससे काम चला सकते हैं। और सोलोमन की और एलिका की मेरे ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप इसकी स्प्रे ना करिए, क्योंकि इसके में बीटा साइफ्लोहेथ्रिन साल्ट है जो एक पार्थिनोइड है और ज़्यादा खुश्की का कारण भी ये जो है साल्ट होता है। किसान भाइयों जिस साल्ट के पीछे थ्रिन लग गया वो समझ लिए हार्ड है, जैसे लैम्डा साइलोहेथ्रिन, कुछ लोग मेटाडोर करते हैं उसका जो टेक्निकल है लैम्डा साइलोहेथ्रिन है, तो लास्ट में थ्रिन आ गया तो इसका मतलब वो हार्ड है। बाइफेनथ्रिन
जैसे आप एफएमसी की टेलस्टार आती है, उसके अंदर जो 10% साल्ट है वो बाइफेंथ्रिन है, जो थ्रिन आ गया इसका मतलब वो सिंथेटिक है। सोलामोन बीटा साइफ्लू हाइथ्रिन, थ्रिन आ गया लास्ट में तो इसका मतलब सिंथेटिक है। और मियोथ्रिन आता है मार्केट में, उसमें भी लास्ट में थ्रिन आ गया तो वो सिंथेटिक है। मेरी आपसे पर्सनली ये राय है कि आप ये हार्ड स्प्रे की बजाय एक्टारा कीजिए, आप कॉन्फिडोर कीजिए, रगोर कर सकते हैं। और अच्छा, एक और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, अगर सीलिया का आपको अटैक ज़्यादा मिलता है स्प्रे करने के बाद भी, तो ये डोज जो है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, ये आप अपने पेस्ट मैनेजमेंट को देखकर इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर एक बार इंसेक्ट में रेजिस्टेंस आ गया तो फिर ये स्प्रेज काम नहीं करेगी। दूसरा, ये जब भी आप पानी लगाते हैं तो 2 से 3 ml जो है आप इमिडा क्लोपराइड अकॉर्डिंग टू योर सिट्रस प्लांट की एज के हिसाब से आपको नीचे देना चाहिए, क्योंकि सिस्टेमिक है। इमिडा क्लोपराइड जो है जाइलम के थ्रू मूव करेगा पूरे प्लांट में, तो सीलिया का अटैक वहाँ भी कम देखा गया है जहाँ 2 ml या 3 ml इमिडा क्लोपराइड बाय ड्रिप इरीगेशन नीचे फर्टिगेशन में दी है, या फिर एक्टारा जो लिक्विड आता है 30% वो जो है नीचे फर्टिगेशन में बाय ड्रिप दिया है। आशा करता हूँ सिल्ला के आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।